नमस्कार। सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों को उन बीमारियों से बचाने के लिए जिन्हें समय पर और उचित टीकाकरण के द्वारा रोका जा सकता है, सरकार ने मिशन इंद्रधनुष नाम से टीकाकरण अभियान चलाया था। दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक एक और टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसे नाम दिया गया है सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0। हमारा आज का कार्यक्रम इसी विषय पर आधारित है। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0। इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आए हुए हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महाप्रबंधक नियमित टीकाकरण डॉक्टर वेद प्रकाश। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू। और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा कार्यक्रम सजीव फोन इन कार्यक्रम है, जिसमें आप विषय से संबंधित अपनी समस्याएं, अपनी जिज्ञासाएं डॉक्टर साहब से बात करके उसको सुलझा सकते हैं। तो ऐसे ही यदि आपकी भी कोई समस्या या प्रश्न है तो आप उन्हें पूछने के लिए फोन नंबर नोट करें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0522-220-5756, 0522-228-8698, 0522-401-5988। और दर्शकों, आप हमें फ़ोन ज़रूर करें, कॉल करें, लेकिन उसके पहले अपने टीवी की आवाज़ को कम करें और अपने प्रश्न को छोटा रखें। और आपकी कॉल्स का हम वेट करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं, फ़ोन सभी आने लगेंगे और हम ये भी जानते हैं कि सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 बच्चों को ऐसी बीमारियों से बचाने का अभियान है जिन्हें टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है। अब हम कृपया ये जानना चाहेंगे कि इस अभियान की विशेषताएँ और उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहले तो मैं उद्देश्य बता दूं। जी। तो अभी आपने बताया है कि टीके लगाने के लिए। जी। तो नियमित टीकाकरण कार्यक्रम हमेशा चलता रहता है। जी। और बहुत सी बीमारियां जो बच्चों को हो सकती हैं और जो जानलेवा हो सकती हैं, जी, उनसे बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए ये टीके लगाए जाते हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन लोगों की जागरूकता की कमी से या अन्य कारणों से बहुत से बच्चों को सारे टीके नहीं लग पाते हैं। जी। और जिसके कारण वो खतरा बना रहता है, बहुत से बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। जी। और ये जो 5 साल तक के बच्चों की मृत्यु दर है, जी, वो भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी अधिक है अन्य राज्यों की अपेक्षा। तो अगर सभी बच्चों को सभी टीके लग जाएं समय से, जी, तो इन मृत्युओं को रोका जा सकता है और हमारे जो बच्चे हैं स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से उनकी ग्रोथ होगी। जी, बिल्कुल। तो जो छूटे हुए बच्चे करीब 20% हमारे यहाँ रह जाते हैं जिनको सभी टीके नहीं लग पाते, उन बच्चों को चिन्हित करके और उनको भी ये सुनिश्चित करना कि सभी टीके जरूर लग जाएं, जी, उसके लिए ये सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान चलाया जा रहा है। जी। तो ये तो इसका उद्देश्य है। जी। और बहुत ही आवश्यक है कि सभी बच्चे जो है उनको सभी टीके लग जाएं। सभी लोग जानते हैं कि बहुत सी गंभीर बीमारियां जो होती थी जिनसे लाखों डेथ हुआ करती थी, जी, वो अब समाप्त की जा चुकी हैं। जैसे न्यूनेटल टिटनस है, पोलियो है जिससे लाखों बच्चे अपाहिज होते थे हर साल, टिटनस के अलावा डिप्थीरिया, काली खांसी है ना, और इस तरह की बहुत सी बीमारियां कम की जा चुकी हैं। जी, बिल्कुल। और अभी भी बच्चों को डायरिया और निमोनिया जैसी बीमारियां काफी होती हैं। जी। और उनसे डेथ भी होती है। जी। अगर ये सभी टीके लग जाएं तो बच्चे इनसे सुरक्षित रहेंगे। जी, बिल्कुल। तो ये तो रहा उद्देश्य। जी। और विशेषताओं में खास बात यह है कि जब ये अभियान के तौर पर चलाया जा रहा है तो सभी तरह के विभागों से सहयोग लेके और एनजीओस, सभी तरह की जितनी संस्थाएं हैं, चाहे वो एनसीसी, स्काउट्स, एनएसएस वगैरह भी हों, तो सबके सहयोग से और व्यापक प्रचार प्रसार करके ये कोशिश की जा रही है कि सभी जो बचे हुए बच्चे हैं वो आ जाएं हमारे जो है जो सेशन हो रहे हैं वहाँ तक और टीके लग जाएं। जी, बिल्कुल। इसका मतलब कोई भी बच्चा कहीं से भी छूटने ना पाए। जी। डॉक्टर साहब, ये जो अभियान है ये प्रदेश के कितने जिलों में और कितनी आबादी को कवर करने का एक उद्देश्य बनाया गया है? पिछले सालों के डेटा के आधार पर देखा गया कि कौन से जिले और कौन से ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे छूटे हुए ज़्यादा हैं। उसके अलावा जहाँ पे जो रोग लगभग ख़त्म हो गए हैं वो ज़्यादा संख्या में पाए गए, जैसे कि डिप्थीरिया और काली खांसी वगैरह, ज़्यादा का मतलब अगर कुछ भी केस पाए गए तो ऐसे जिलों को, ब्लॉक को आइडेंटिफाई किया गया। और उत्तर प्रदेश में 73 जिलों के अंदर 425 ब्लॉक ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान चलाया जा रहा है। जी। आपका ये सवाल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी जानकारी मैं दे दूं कि इस मार्च अभियान में जो बचे हुए ब्लॉक हैं 425 ब्लॉक के अलावा, जी, वहाँ पे जेई टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है। जी।
ये उन केवल उन जनपदों में जहाँ पे जेई या जापानी इंसेफ्लाइटिस दिमागी बुखार ज्यादा होती है। तो ऐसे 38 जिले चिन्हित हैं जिसमें कि खास तौर पे गोरखपुर और देवीपाटन मंडल के हमारे जिले हैं। तो इन जिलों में बाकी जिलों में भी जेई का अभियान भी चल रहा है ताकि जिन बच्चों को जेई का टीका नहीं लग पाया है जापानी इंसेफ्लाइटिस का दिमागी बुखार का उनको ये टीका लग जाए और आने वाले दिनों में वो जिससे सुरक्षित रहे। और पिछले 3 सालों में इसी तरह की जेई अभियान चला के जेई को काफी नियंत्रित किया गया है उत्तर प्रदेश में। जो मृत्युएं होती थी 3 साल पहले उनको 90% कम किया जा चुका है और मृत्युओं की संख्या में काफी कमी आई है। और डॉक्टर साहब इसी के साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। सौरभ पाठक जी हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम जी। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सौरभ जी, क्या प्रश्न है आपका? जी थैंक यू मैम। मैं मेरा डॉक्टर साहब से प्रश्न है, रूटीन इम्यूनाइजेशन स्कीम के अंतर्गत वैक्सीनेशन करवाना और मिशन इंद्रधनुष स्कीम के अंतर्गत वैक्सीनेशन करवाना, इन दोनों स्कीम्स के अंतर्गत किए जाने वाले वैक्सीनेशन में क्या फर्क होता है? सौरभ जी कोई फर्क नहीं होता, ये केवल कैचअप कैंपेन है। अगर नियमित टीकाकरण में बच्चे छूट गए हैं उनके लिए अभियान चलाया जा रहा है ताकि उनको चिन्हित करके उनकी लिस्ट बना के उनको भी टीके लग जाएं। अगर नियमित टीकाकरण में किसी बच्चे को सभी टीके लग चुके हैं तो उसको इस अभियान में लाने की आवश्यकता नहीं है। तो केवल नियमित टीकाकरण में जो कमियां रह गई, जो बच्चे छूट गए, उन्हीं को आच्छादित करने के लिए चलाया जाता है। जी बिल्कुल सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए। और डॉक्टर साहब इस विषय पर एक लघु नाटिका तैयार की गई हमारी टीम की तरफ से, यदि आप कहें तो अपने दर्शकों के साथ उसे देखें। अवश्य, तो आइए देखते हैं एक लघु नाटिका। एक बार जो कह दिया तो कह दिया बस। अरे काकी हमारी बात तो सुनो। हमका कुछ नहीं सुनने का है, तुम सब जनी जाओ जाओ यहाँ से। मुला हुआ का है जो आज चंडी रूप धरे हो? अरे तुम ही बताओ आशा बहनी, यू काकी को आज का हुआ है? दरअसल कल पंचायत भवन में सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम में बच्चों को टीका लगना है। हमने सोचा कि काकी गांव की बूढ़ पुरानिया है, इनको लेकर घर घर घूमेंगे, सब लोग इनकी बात मानते हैं तो गांव भरे के बच्चे का टीका लग जाएगा। लेकिन अब बात तो ठीक है, बच्चन का टीका लग जाए तो बीमारियों से बचाव हो जाए, बाल बच्चा स्वस्थ रहिए। अरे तो इमा गुस्सा करे वाली कौन सी बात है काकी? आशा अब इन कुछ दिन पहले ही तो टीका लगाने का कार्यक्रम चला रहा, अब फिर वह तो जब एक बार टीका लगवा तो फिर दोबारा काहे टीका लगवाया जा रहा है? ए नान नान बच्चन के सुई कोचे में इन सबका बड़ा मजाक है। अब वो सुने रहो ना, जब देखो तब दुई बूंद जिंदगी के बताए बताए के, जब देखो तब पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। बच्चन ना हो गए, इन सबका खेल हो गए। हम अपने चुटकवा का ना तो टीका लगवाए के लिए जाएं, ना के उसे कहब कि सुई कुचवाओ, अब जो कह दिया सो कह दिया। अरे काकी कुछ सुनियो भी। मास्टर तुम तो हमसे बात करो नहीं, ना जाने कैसे समझावत हो कि सब जनी तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेते हैं। अरे हवा ऊपर खूब बन जाई थे, अब तुम चल 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 यहाँ से निकलो निकलो यहाँ से, कह दिया सो कह दिया। अरे अरे काकी वो पहले वाला अभियान रहा मिशन इंद्रधनुष, उमा 7 बीमारी से बच्चन का बचावे के लिए टीका लगाया जात रहा, यू नया अभियान चल रहा है बच्चन का बीमारी से बचावे के टीका लगवावे का, सघन मिशन इंद्रधनुष 2। इमा 7 नहीं 12 12 बीमारियों से बच्चों को बचावे के लिए टीका लगाया जा रहा है। हाय यार सुनो, पहले तो 7 बार सुई कोची जात रही, अब 12 बार सुई कुचवाए का पड़ी। बिट्टा भर के बच्चा का 12 12 बार सुई। अरे तुम सब जनी जाओ यहाँ से निकला, जो कह दिया सो कह दिया। अरे काकी हर टीका में सुई थोड़ी ना लगाई जाते है, किसी किसी टीका में पोलियो की तरह दवाई भी तो पिलाई जाती है ना। हमको ना समझा दवाई पिलाई जात है, चाहे पिलाओ चाहे सुई कुचवाओ, है तो टीका ना। हमका ना लगवाए कहे अपने छुटकाओं को टीका, जो कह दिया सो कह दिया। अरे काकी ये सघन मिशन इंद्रधनुष 2 का टीकाकरण अभियान कोई अपने गांव में ही थोड़ी चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। 27 राज्यों के 272 जिलों में चलाया जा रहा है ये अभियान और दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक चलेगा ये अभियान। और हाँ काकी, हर बीमारी के लिए अलग अलग टीका लगाने की कोनो जरूरत नहीं है। पता है
कोई कोई टीका तो एक साथ पांच पांच बीमारियों से बचाता है। माने पांच बीमारियों के लिए एक टीका? हाँ सावित्री बहन। मगर कोनो ऐसा टीका नहीं है जी माँ एक ही टीका से सब बीमारियों से बचत हुई जाए। भैया पदारत, खेत में फसल अच्छी हो इसके लिए एक खाद डालत हो? या कोई पूछे वाली बात है, अलग अलग खाद डाली जात है। अच्छा और खाद एक बार डालत हो कि कई बार डालत हो? अरे मास्टर ठिठोली ना करो, जब जोन खाद डाले का होता तब डाली जात है। हम कह रहे ना, ये मास्टर कोई पेच वाली बात करके सबका समझा ही नहीं। यू बताओ, ये सुई टीका के बीच माँ अब खेती किसानी की बात कहाँ से आई गई है? मास्टर की बात कोई ना सुनियो, कोई ना सुनियो, जो कह दिए सो कह दिए। अरे काकी सुने देओ मास्टर की बात। हाँ सब मास्टर अपने द्वारे जाके सुनाओ ना, हमरे द्वारे पंचायत ना करो, जो कह दिया सो कह दिया। अब काकी हम सब तुमरे बच्चा नहीं है, हमरे द्वारे और तुमरे द्वारे माँ कोई फर्क है का बताओ? हाँ मास्टर। तब देखो भैया, जैसे खेत में अच्छी फसल के लिए बार बार खाद डाले पड़ते है, वैसे ही अलग अलग बीमारियों का अलग अलग टीका आवत है। और जैसे एक बार सिंचाई करे से काम नहीं होते, सही समय पर बार बार सिंचाई करे का पड़त है, वैसे ही कोई कोई टीका दोबारा तिबारा भी लगावे का पड़त है। और हाँ बार बार हर बार वो पोलियो के खुराक वाली बात, तो वही की बदौलत तो अब जाके भारत पोलियो जैसी बीमारी से मुक्त हुई गवाह है। माने अब कोई बच्चन का पोलियो नहीं हुई? हाँ सावित्री बहन, वो मारा ये हुई ना बात, सुन ले काकी, अब भारत पोलियो मुक्त हुई गवाह है यही टीकाकरण की बदौलत। तो सोहर बनना गा, नाच गाना करा, जब कह दिया सो कह दिया। काकी अब इतना नहीं दे तो ना बनो ना का, हरकू के बेटे को ना ही देखा तो पोलियो के कारण कैसे घिसट घिसट के चला था। हाँ तुम ना ही चाहो तो का कि कोई बच्चा हरकू के बेटे की तरह ना होवे। हाँ अब हम यू तो नहीं कहा है, पर हम आपने छुटकाऊ का टीका ना लगवाए, जो कह दिया सो कह दिया। अरे काकी तुम जानती हो एक टीका की खोज करे में लाखों करोड़ों रुपया खर्चा होता है, टीके का दाम जानती हो? अरे कुछ टीके तो इतने महंगे होते हैं कि कुछ पूछो मत। और देखो सरकार फ्री माँ हमरे तुमरे बच्चन की भलाई के लिए ही तो टीका लगा ही रही है, उनकी स्वास्थ्य के लिए। यह बात तो सही, अब सरकार इतना खर्चा करे और हम तुम ई डर से कि बच्चन का सुई लगावे में दर्द हो तो का टीका ना लगवाए। हमरी ननको को पिछली बार टीका लगावे के बाद बुखार हुए गवरे। वहे तो बुखार हो जात है, जो कह दिया सो कह दिया। अरे काकी अब बच्चन का सुई लगावे में दर्द तो होत है और एक दो दिन बुखार भी आवत है, तो का इका मतलब सुई ना लगवाई जाए? अब यू तो कौनो अकलमंदी की बात नहीं है। फिर आशा वह तो बताओ, जो सघन मिशन अभियान अपने प्रदेश में चार चरणों में चल रहा है, सरकार प्रबंध कर रही है कि टीका लगवावे के लिए अपने घर गांव से दूर न जाना पड़े। अच्छा अरे बिल्कुल, अब आप लोग देखिए कल अपने गांव के पंचायत भवन में टीकाकरण होगा। वही बात तो मैं काकी से कहने आई थी, सो काकी हम ही पे फ्रंट हो गई। अरे काकी इस सघन मिशन इंद्रधनुष 2 में कोई बच्चा ना छूटने पाए, ये जिम्मेदारी हमारी भी तो है, तो जब जब जो जो टीका लगवाना है तब तब वो टीका लगवाना ही है। नहीं हर बार हर टीका लगवाओ, बीमारी को जड़ से हटाओ। आशा बहनी कल पंचायत घर पे कितने बजे पहुंचना है? अरे ये तो बताओ नहीं। कल सवेरे 9 बजे। और दोबारा टीका कब लगेगा? उसकी सूचना हम आपको देते रहेंगे। अच्छा बड़े स्वार्थी लोग हैं, सब जने बच्चन का टीका लगवाए खातिर जा रहे हैं। हमरे छुटकवा का को टीका लगवाई, हम बूढ़ पुरनिया की सुदले वाला कोई नहीं है। अरे काकी हम है ना, तुम तो जाए देओ। हम कहा नहीं रहे ई मास्टर बहुत चालू है, सबको अपनी बातों में फुसलाए ली, हम हो को फुसलाए ली। सब बच्चन का टीका लगवाए का चाहिए, हर बार बार बार, जो कह दिया सो कह दिया।
डॉक्टर साहब कैसा लगा हमारा प्रयास? बहुत ही अच्छा प्रयास था जी। और डॉक्टर साहब फिर से हम दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे आपसे लघु नाटिका के बाद कि इस अभियान में कितने रोगों से और कौन कौन से रोगों से बचाव के लिए यह अभियान है टीकाकरण का? बहुत से रोग तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी, जैसा अभी मैंने कुछ नाम लिए थे जी, काफ़ी कम हो चुके हैं, लगभग समाप्त हो चुके हैं, और इसीलिए अब जो है कुछ नए टीकों को भी शामिल किया गया है जी। ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हमारे टीकाकरण अभियान में जैसे डायरिया के लिए और निमोनिया के लिए कोई टीका नहीं होता था जी। और अब जो है बच्चों के मृत्यु में से खास कारणों में ये दोनों रोग आते हैं जी। तो काफ़ी बच्चों की संख्या जो होती है वो डायरिया और निमोनिया से डेथ हो जाती है जी। एक साल तक लगभग प्रत्येक बच्चे को 2 या 3 बार डायरिया जरूर हो जाता है। बिल्कुल। इसी तरह से बहुत से बच्चों को निमोनिया होता है। तो ये वैक्सीन भी अब हमारे अभियान में जुड़ चुकी हैं, हमारे निवेदन टीकाकरण में आ गई हैं जी। इसके अलावा पहले से हम लोग जो वैक्सीन लगाते आ रहे हैं वो टीबी के लिए बीसीजी का टीका लगाते हैं, पोलियो के लिए भी ओपीवी भी है और इंजेक्टेबल भी है। इसके अलावा डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, और बाद में हम लोगों ने इसमें जोड़ दिया है इसमें हिप वायरस को और हेपेटाइटिस बी जी, इनके लिए भी टीके लग रहे हैं जी। मीजल्स के टीके पहले से लगते आ रहे हैं और पिछले साल हम लोगों ने अभियान चला के और उसके बाद से जर्मन मीजल्स या रूबेला के लिए भी टीकाकरण प्रारंभ किया, जिससे एक फायदा ये भी है कि जो आने वाली जनरेशंस में बच्चे होंगे उनमें जो जन्मजात रोग होते हैं, जन्म से ही बच्चे के अंधा होना, बहरा होना जी, या उसके दिल में कोई बीमारी होना या मानसिक बीमारी, उनसे भी बचाव है जी। बिल्कुल। और इसी प्रकार से जिन जिलों में जेई या दिमागी बुखार का प्रकोप ज़्यादा है वहाँ पे दिमागी बुखार के लिए जी। तो इन सभी 12-13 बीमारियों के लिए टीके लगाए जा रहे हैं और यही मुख्य बीमारियां हैं जिनसे बच्चों को खतरा है और उनकी मृत्यु हो सकती है जी। बिल्कुल। तो इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये जी। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब अभी प्रश्नों का सिलसिला आगे भी है लेकिन फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो गया है, तो दर्शकों आप कहीं मत जाएगा, हम लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 के बारे में और हमारे साथ हैं नियमित टीकाकरण स्वास्थ्य महाप्रबंधक डॉक्टर वेद प्रकाश। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, रितु जी हैं बनारस से। हेलो। हेलो जी रितु जी, बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है आपका? जी मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहती हूँ कि जो मिशन इंद्रधनुष 2.0 है, 2.0 के क्या माने हैं, और इससे पहले भी ये अभियान चलाया गया था, तो पहले वाले अभियान और इस अभियान में क्या अंतर है, क्या चीज इसमें ऐड हुई है? जी बताएं सर। दोनों प्रयास एक जैसे ही हैं। पहले भी प्रयास था कि जो बच्चे छूट जा रहे हैं टीके से उनको पहले उन जनपदों को, ब्लॉक को और उन क्षेत्रों को आइडेंटिफाई कर लें, चिन्हित कर लें कि कहाँ पे बच्चे ज़्यादा छूटे हुए हैं और वहाँ पे उन बच्चों की लिस्ट भी बना लें, सूची बना लें कि कौन बच्चे छूटे हुए हैं, उनके कौन से टीके छूटे हुए हैं, और उसको जो है उनका टीकाकरण कर दिया जाए। तो प्रयास पहले हुए थे और उससे काफ़ी इसमें पूरे भारत में और पूरे उत्तर प्रदेश में काफ़ी चेंज आया था, काफ़ी जो हमारा फुल इम्यूनाइजेशन का कवरेज है बढ़ा था। तो ये 3 साल पहले जो हुआ था मिशन इंद्रधनुष, उसमें तब की बात है उस समय टीके कम लगते थे, जैसे कि तब पेंटावायलेंट और रोटा वायरस और पीसीवी वैक्सीन हमारे टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल नहीं थी। बाद में ये टीके भी आ गए हैं क्योंकि बहुत से रोगों पे नियंत्रण पा लेने के बाद में अब जो हमारी प्रमुख बीमारियाँ हैं बच्चों में वो डायरिया है जो कि मृत्यु का कारण बनती है, इसी तरह निमोनिया है, तो अब इसके टीके भी उपलब्ध हैं। इसी तरह से हमारा MR की वैक्सीन आ गई जो पहले नहीं थी। तो जो 2.0 है एक नए सिरे से फिर से प्रारंभ किया गया कि अब जो बच्चे छूटे हुए हैं इनको भी हम फिर से चिन्हित करके और उनको सारे टीके लगा दें। और मैं आपको बता दूं कि जैसा अभी बात हो रही थी कि इस साल मिशन सघन मिशन धनुष 2.0 के अंतर्गत 4 चरण होने थे, तो 3 चरण कंप्लीट हो चुके हैं और चौथा कल से स्टार्ट हुआ है 2 मार्च से जी। और पिछले 3 चरणों का लाभ ये रहा कि इनके प्रारंभ होने से पहले उत्तर प्रदेश में पूर्ण प्रतिशत बच्चों का प्रतिशत जो है वो 79% था, जो ऑलरेडी बढ़ के 85% के करीब पहुंच गया है, 85% के आसपास। तो हमारा प्रयास काफ़ी सफल रहा है और अगर सभी लोग जागरूक रहें और अपने अपने बच्चों को सही समय पर ले जाएं तो और भी सफलता मिलेगी, और जितने अधिक बच्चों का टीकाकरण हो जाएगा उतना ही अधिक संभावना इसकी है कि रोग का प्रचार प्रसार ही नहीं होगा, फैलेगा ही नहीं जी। तो सभी बच्चे हमारे सुरक्षित रहेंगे जी। रितु जी कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ एक और ब्रेक का वक्त हो गया है, लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 और हमारे साथ हैं डॉक्टर वेद प्रकाश। डॉक्टर साहब ये जो अभियान चलाया जा रहा है
अच्छा, इसके पहले एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अनामिका जी हमारे साथ, हेलो। हेलो जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है आपका? मैं अनामिका बोल रही हूँ लखनऊ से जी। मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहती हूँ कि सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 में क्या टाइफाइड का टीका भी लगवाया जा सकता है? जी, टाइफाइड का जी? अनामिका जी नहीं, टाइफाइड जो है हमारे जो टीकाकरण कार्यक्रम है इसमें सम्मिलित नहीं है जी। अनामिका जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न था कि क्या इस अभियान में जो डेट्स हैं वो लाभार्थियों और ज़रूरत के हिसाब से चलाया जाएगा या किसी भी दिन इससे रखा जा सकता है? तो वैसे तो पूरे महीने टीकाकरण होते ही हैं, लेकिन जो ये सघन मिशन इंद्रधनुष का कार्यक्रम है जी, प्रत्येक माह जिन जिन माह में होना था, अभी अंतिम माह है इस बार मार्च 2020 जी, तो प्रथम सोमवार से लेके अगले 7 कार्य दिवसों तक होता है जी। यानी कि कल से प्रारंभ हुआ तो प्रत्येक सोमवार, मंगल, बृहस्पति, शुक्रवार और बुधवार, शनिवार को वैसे ही टीकाकरण होता है जी। तो इन दिनों में तो एक तरह से 2 तारीख से 12 तारीख तक, या इस बार होली पड़ रही है तो कुछ और आगे दिन तक ले जाना पड़ेगा जी। तो इन दिनों में अलग अलग जगह पे अलग अलग दिनों में ये लगाया जाएगा जी, ताकि प्रत्येक जगह जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे एक सत्र जरूर लग जाए जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ ही ये भी दर्शकों की जागरूकता के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो अभियान है इसमें कार्यकर्ता घर घर जाकर टीके नहीं लगा रहे हैं जैसा कि आपने बताया, तो जो स्थान का निर्धारण है वो किन बातों पर निर्भर करता है? घर घर लगाना तो संभव नहीं है और अलाउड भी नहीं है नियमित टीकाकरण, क्योंकि इंजेक्टेबल वैक्सीन होती हैं और इनको अगर हम बार बार रखेंगे फिर निकालेंगे तो उसके संक्रमण का खतरा रहता है, तो इसलिए एक जगह बैठ के लगाया जाता है जी। लेकिन इस तरह से इसकी प्लानिंग होती है जी, कि जिन क्षेत्रों में ये होना है वहाँ से बहुत दूर तक लोगों को न जाना पड़े, तो प्रत्येक गाँव में या प्रत्येक मोहल्ले में इस तरह से सेशन लगता है। अगर गाँव बड़ा है तो उसके 2 अलग अलग भागों में अलग अलग दिनों में भी सत्र लगते हैं, तो बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं होती है जी। और डॉक्टर साहब, बहुत से सामाजिक कारण हैं, धार्मिक कारण हैं या डर और हिचकिचाहट भी अपने छोटे से बच्चों को टीका लगवाने में, कई बार जैसे अभी हमने देखा लघु नाटिका में, तो इन सारे जो हर्डल्स हैं, जो मार्ग में बाधाएं हैं, उनको दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? ये सवाल आपका बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर ये सब भ्रांतियाँ ना हों और लोग कोऑपरेट करें जी, तो सघन मिशन इंद्रधनुष या मिशन इंद्रधनुष जैसे कैंपेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े जी, क्योंकि टीकाकरण कार्यक्रम तो हमारा होता ही है और उसी में 100% बच्चे जो हमारे उनको उनका टीकाकरण हो सकता है जी। लेकिन ऐसा ना होने की वजह से, चाहे धार्मिक कारण हो या कोई और गलत भ्रांतियाँ हों, चाहे थोड़ा बहुत कभी बच्चे को बुखार आ गया सुई लगने के बाद में तो उसे डरना घबराना हो जी, तो जिसकी वजह से भी ये 20% 15% बच्चे हमारे छूट जाते हैं जी, और यही बच्चे हैं जिनको फिर खतरा अधिक रहता है रोग होने का और मृत्यु होने का जी। तो इससे बचना चाहिए और कोई भी भ्रांति नहीं रखनी चाहिए, लेकिन इससे बचने के लिए हम लोगों ने हर तरह से प्रयास किए हैं। दूरदर्शन, आकाशवाणी के अलावा न्यूज़पेपर एड्स और सभी तरह के लोगों को इन्वॉल्व किया गया है, एनजीओस को, दूसरे डिपार्टमेंट्स को जी, और जनसभाएं वगैरह भी कराई गई हैं, नुक्कड़ नाटक। और सर एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शुभी जी हमारे साथ, हेलो। हेलो शुभी जी, अगर आपको हमारी आवाज मिल रही कृपया अपना प्रश्न पूछिए। जी, हम यहाँ नौबस्ता में रहते हैं, तो इस कार्यक्रम के तहत अगर बच्चे को टीका लगवाना है तो किस तरह से कोई सुविधा मिलेगी ले जाने के लिए केंद्र तक? ले जाने की सुविधा की आवश्यकता सुभी जी नहीं होती, क्योंकि आपके गांव में के अंदर ही कहीं आसपास ही लग रहा होता है या मोहल्ले में, तो पैदल ही जाने की जगह होगी 100-150 मीटर, सुविधा उतनी जरूरी नहीं। मेन चीज़ है कि जानकारी हो आपको कि कहां पर लग रहा है, और आपके क्षेत्र की जो कार्यकर्ती होंगी, स्वास्थ्य कार्यकर्ती या एएनएम या फिर आशा या आंगनबाड़ी वर्कर, ये आपको सूचना दे देती हैं कि इस जगह पर ले आना है जी। और फिर भी कहीं किसी जगह पर अगर ये सूचनाएँ नहीं मिल पाती हैं तो जहाँ पे पीएससी, सीएससी या जिला महिला चिकित्सालय होते हैं वहाँ पे प्रत्येक बुधवार, शनिवार को इस तरह का टीकाकरण होता है, वहाँ जाके लगवाया जा सकता है जी। और शुभी जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ साथ अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण में आ चुके हैं, अब चलते चलते। कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका सही जवाब आपको हमें पत्रों के माध्यम से या फिर ईमेल पर लिख भेजना होता है। सही जवाब भेजने वाले दर्शकों में से हम किसी एक को ड्रॉ स्लॉट्स के जरिए चुनते हैं और उन्हें अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। तो नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न क्या है। हमारा आज का प्रश्न है, सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 में कितनी बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगाए जाएंगे। आशा करते हैं आपने हमारा प्रश्न नोट कर लिया होगा, और अब इस उत्तर को भेजने के लिए हमारा पता नोट करें।
हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ कमरा नंबर 205 दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग लखनऊ 226001। हमारी ईमेल आईडी है missionhealth.ddupplko@gmail.com। और इसी के साथ साथ हम आपसे आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो भी जानकारियां दी हैं आप उन सभी से लाभान्वित होंगे। और डॉक्टर साहब आपने हमें इतनी ज़रूरी जानकारियां दी, इतना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।